स्टार्ट। नमस्कार छात्रों, कल हमने शब्द के भेद, इसके भेद पर हमने देखी थी और उसके उदाहरण भी देखे थे। जैसे हमने देखा था, देखो आप लोगों ने लिखा भी होगा, आपके पास वही और पेन होना चाहिए और ये सारा लिखित रूप में होना चाहिए। पहले हमने देखा था विकारी शब्द, मतलब जो लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। इसमें देखा संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, उसके उदाहरण में मैंने कर दिए। उसके बाद हमने देखा कि अविकारी शब्द, उनको कहते हैं हम अव्यय। इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय, इनके उदाहरण में मैंने दिए। अब हमें यह देखना है कि परीक्षा में कौन किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें उनके उत्तर कैसे लिखते हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। यहां पर मैं आप लोगों को एक वाक्य देने वाला हूं और उस वाक्य में जो भी शब्द आने वाले हैं उन सब का आपको भेद लिखना है। जैसे लिखिए आप लोग भी, पहला है हिमालय, ऊंचा पर्वत है। इसमें आपको कौन से शब्द आए हैं, हिमालय आया है, ऊंचा आया है, पर्वत आया है, इनके आपको भेद लिखने। जैसे कि उदाहरण मैं बताता हूं, पहला मान लीजिए हिमालय शब्द है, तो ये क्या है, आप लोग सोचिए क्या है, किसी पर्वत का नाम है, मतलब ये क्या है, संज्ञा है। ओके, उसी प्रकार ये ऊंचा शब्द है, ये क्या है, ये विशेषता की तरह इसकी संज्ञा है, मतलब हिमालय की ऊंचा है, ये विशेषता की तरह, इसलिए क्या है, ये विशेषण है। उसी प्रकार पर्वत, पर्वत भी क्या है, संज्ञा है। इस प्रकार प्रश्न आएगा और आप लोगों को उसके भेद लिखने हैं। ठीक है, यहां पर दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, आप लोगों को ग्रंथ में बैठकर ये तैयार करना है। हमारा घोड़ा बड़ा फुर्तीला है, बड़ा फुर्तीला है। अब यहां पर जो शब्द आए, देखो पहला आया है हमारा, जरा सोचिए हमारा शब्द क्या है और लिखिए। उसके बाद दूसरा शब्द है घोड़ा, ये क्या है। उसके बाद और शब्द आया है बड़ा, ये क्या है। और उसके बाद शब्द आया है फुर्तीला। अब ये सारे चारों के चारों विकारी शब्द है, ध्यान में रखिए विकारी शब्द है, उनको भेद आपको पहचान कर लिखने हैं। चलिए आगे का मैं दूसरा एक वाक्य और देने वाला हूं यहां पर, तीसरा वाक्य। छात्रों को हर दिन पाठशाला जाना चाहिए। यहां पर जितने भी शब्द है, छात्र, हर दिन के छोड़ दीजिए, पाठशाला जाना और चाहिए, चार शब्द है, चार शब्दों के भेद आपको पहचानने। और इसी प्रकार ये शब्द दिए जाते हैं और इन शब्दों का भेद पहचानने के लिए आपको कहा जाता है विकारी शब्द में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चार शब्दों से उनके भेद लिखने हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न होता है, आप तैयारी कीजिए, आपको उत्तर इसके मिल जाएंगे, आप जितनी तैयारी करेंगे आप लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का और कौन सा प्रश्न होता है, तो होता है कि निम्नलिखित शब्दों का, देखिए निम्नलिखित शब्दों का
अर्थपूर्ण वाक्य भी प्रयोग कीजिए, अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर मैं शब्द देता हूं कि वाक्य में प्रयोग कीजिए आप लोग। पहला लीजिए मीठा, मीठा, जैसे कि हर एक को खाना मीठा लगता है, या मीठा हमेशा मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती। अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। ये वाक्य नहीं आएगा आप लोगों का, अलग वाक्य आएगा। दूसरा लीजिए हरा, तीसरा लीजिए करना, इनका वाक्य में प्रयोग करना है हर एक शब्द का। उसके बाद चौथा लीजिए पढ़ना, पांचवा लीजिए शब्द, इनके वाक्य में प्रयोग कीजिए उसका। और छठा लीजिए हमने। अब हर एक का अलग अलग वाक्य में प्रयोग आप कीजिए। ये विकारी शब्दों के लिए किसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, ये तैयार कीजिए आप लोग, घर पे तैयार कीजिए, लिखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर कुछ शंकाएं हो तो हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद हो गया अविकारी शब्दों के बारे में। ये अविकारी शब्द है, ये भी लिए जाते हैं, उनका उनका भेद पहचानने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि लिखिए निम्न अविकारी शब्दों का भेद पहचानिए, पहचानना इसी प्रकार लेते हैं। जैसे आप लोग एक शब्द देते हो मेला के पीछे, के पीछे, अब क्या है ये संबंध दिखाने वाला अव्यय। दूसरा शब्द लीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। तीसरा लीजिए और, चौथा किंतु। उसके बाद देखिए पांचवा शब्द वाह वाह, और छठा शब्द लीजिए छी छी। जब मैं उच्चारण कर रहा था तो आप लोगों को समझ में आया रहा होगा कि ये कौशिक कितने से प्रकार के है। अब देखिए चार प्रकार में से एक प्रकार आपको इनके शब्दों के भेद आपको पहचानना है। और एक प्रश्न इसी प्रकार का होता है दूसरा, इसमें ये लिख लीजिए आपकी समझ में आ जाएगा, या पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। या फिर दूसरा ही प्रश्न आ जाता है अव्ययों का वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग, अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग। जैसे कि पहला देखिए या पर मैं शब्द देता हूं ऊपर, ऊपर लिख सकते हैं आप, जैसे कि टेबल के ऊपर पाठ्य पुस्तक है, इसी प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा अरे रे, अरे रे, और तीसरा लीजिए क्योंकि, क्योंकि। इतने शब्दों का आप वाक्य में प्रयोग कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। और जिन शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग किया है उन वाक्यों, उन शब्दों को हमें अधोरेखित करना है। और ये इन शब्दों का भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पाठशाला के पीछे मैदान है, के पीछे, हमें जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए, जब वर्षा होती है तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, और राम लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए किंतु हमें पाठशाला जाना चाहिए किंतु हम कोरोना के कारण नहीं जा सकते, या फिर वाह वाह कितनी छुट्टियां अच्छी रखी है, इसी प्रकार के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वही का पेन का उपयोग करके इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर शंका हो तो आप उनको बाद में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।